भले ही प्रदेश सरकार किसान को संपन्न बनाने के पुरजोर प्रयास में हो, बावजूद इसके प्रदेश का किसान आज भी आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही ई नेम पोर्टल स्कीम का लाभ न उठाकर आड़तियों के चुंगल में ही फंसे रहने को मजबूर है। किसानों का मानना है कि अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वह फसल को बेचने से पहले ही आड़तियों से रकम ब्याज पर उठा चुके होते हैं कि उसे पूरा करने के लिए वह फसल उन्हीं को बेचने के लिए आज भी मजबूर है, जिसके चलते सरकार द्वारा चलाई गई ई नेम पोर्टल योजना को वह समझना ही नहीं चाह रहे। इसी कड़ी में सरकार की इस योजना का विरोध करते हुए हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि अब एमएसपी से अलग प्राइवेट बिकने वाली सभी फसलों की खरीद फरोख्त ई नेम पोर्टल के जरिए होगी, जो व्यवहारिक नहीं है क्योंकि ई नेम एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें फसलों की खरीद फरोख्त कंप्यूटर के द्वारा होगी और खरीदार को फसल का भुगतान माल उठाने से पहले सीधे किसान को करना होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का तो नुकसान होगा ही, अपितु हरियाणा की मंडियों से आड़तियों का निशान नामो निशान ही मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आड़ती सरकार की इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। ये स्कीम आड़ती और किसान के हित में नहीं है। किसान की फसल का पेमेंट कैसे और कौन करेगा ये स्पष्ट नहीं है, ये धरातल पर संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी एक मांग ये भी है कि सरकार आड़तियों का कमीशन कम करने के फैसले पर दोबारा विचार करे। उक्त मांगों को लेकर हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 10 सितंबर को गोहाना में एक महारैली करने का ऐलान किया है, जिसमें प्रदेश के 32,000 आड़ती हिस्सा लेंगे। इसी के साथ चेतावनी भी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर सही कदम नहीं उठाया तो उसी दिन सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा की जाएगी। अंदर हमारा सारी बातों पे चर्चा करने के बाद हमने फैसला लिया है कि आने वाली 10 तारीख को शनिवार को गोहाना के अंदर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। उसी के तहत हम जो है कार्यकारिणी के मेंबर सारे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। बहुत लोग जो है भारी संख्या के अंदर बसों से कारों से और उससे जो है ना गोहाना मंडी के अंदर पहुंचेंगे और लोगों को अब सारी सरकार की कार्रवाई के बारे में बताएंगे और आगे सरकार के खिलाफ जो हमने अगर इन्होंने नहीं मानी वहां पे चर्चा करने के बाद एक डिसीजन लेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद जी। फसल खरीद की मुख्य कड़ी है आड़ती और सरकार इसे खत्म करने जा रही है। आड़तियों का भले ही नुकसान है लेकिन किसानों को क्या नुकसान होगा इससे? किसान तो ये समझो भी आज सारे ये जो है ना एमएसपी करते हैं, सारे हिंदुस्तान के अंदर टोटल फसल का 6% माल ही एमएसपी पे खरीदा जाता है, 94% व्यापारी खरीदते हैं। अगर दो दिन के अंदर जैसे अब हमारे यहाँ, मैं लाडवा मंडी से हूँ, अगर वहाँ का हिसाब लगाया जाए तो हमारे यहाँ ब्रीड की कुछ फसलें जो हैं आ रही हैं, अगर वहाँ किसान जो है का माल आड़ती व्यापारी ना खरीदे तो दो दिन के अंदर ही जो है आकार मिल जाएगी। बगैर व्यापारी के कभी भी कोई मंडी का माल नहीं उठाया जा सकता। हरियाणा में कितने आड़ती होंगे जिन्हें इससे नुकसान होगा?